सेशन था, लेकिन लग रहा है कि 75% तो जेंट्स है, तो जेंट्स के लिए तालियां होनी चाहिए। आई ऑलवेज से लर्निंग इज अ लर्नर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, सीखना एक व्यक्ति का खुद का जवाबदारी है, किसी और का जवाबदारी नहीं। तो जो मेरे भाई बैठे हैं वो डेफिनेटली अपडेट होंगे और घर की महिलाओं को भी अपडेट करेंगे। सो 75% के लिए तालियां होनी चाहिए। गुड मॉर्निंग एक्सेल, मैं विशाखा प्रशांत पवार, डबल डायमंड हूँ। मैं तो वजीर हूँ, हुकुम तो उधर बैठा है क्योंकि कोड अपने नाम पे नहीं है, लेकिन मेरे बिना चलेगा भी नहीं। चलेगा आपको लगता है? चलेगा? कोई बोल के दिखाई कि मेरे बिना चलेगा, क्योंकि ऊपर वाला एक हाथ नहीं, दो हाथ ऊपर मांगता है। आपने कभी देखा है एक हाथ से, एक हाथ से उसको होता है, लेकिन दो हाथ ऊपर करे तो वो क्या मांगता है? तथास्तु, दे देगा। बराबर है। शनि की दाल देखी है कभी आपने? देखिए शनि की दाल, हरभरा देखा है, चना, क्या क्या बना सकते हो शनि की दाल से? कुछ बना सकते हो? क्या क्या बना सकते हो? लड्डू बना सकते हो? अरे वाह, लड्डू से शुरुआत करिए, बूंदी तो पहले बना लो, फिर लड्डू बनेंगे। और क्या बना सकते हो? पायसम, पूरन पोल। और क्या बना सकते? कढ़ी बना सकते हैं, मीठा पकवान बना सकते हैं, नमकीन बना सकते हैं, सब कुछ बन सकता है, तीखा भी बन सकता है। 29 व्यंजन, आप समझ रहे, पदार्थ व्यंजन, 29 व्यंजन मेरे ख्याल से चने की दाल से बने पाए। बराबर है। हमारी नानी हाथ में चने की दाल देती थी और हाथ पे रगड़ती थी, बोलती थी इसका तुझे जो बनाना, इसका जो खाना अच्छा लगता है, बनाना अच्छा लगता है, वो बना के खा जा। एक ही चने की दाल, लेकिन उसका पकवान अनेक होता है, खारा भी होता है, तीखा भी होता है, मीठा भी होता है। सक्सेस जो है ना वो चने की दाल के जैसा है। हेल्थ भी ले लो, वेल्थ भी ले लो, आपको जो चाहिए आपके अस्तित्व के लिए, आपके फ्रीडम के लिए, आपके जिस चीज के लिए, वो चने की दाल की तरह आपको यूज कर। कभी खारा खाना है खारा बना लो, कभी मीठा खाना है तो मीठा बना लो, कभी तीखा, पाउस पड़ला जरा भजी भून जाओ दे मना होता है ना, तो वो भी हो सकता है। ये कहने का मतलब ये है, सक्सेस ऐसे जीवन में कोई आदमी नहीं है जिसे सक्सेस नहीं चाहिए, सबको चाहिए। नन्ना मुन्ना बच्चा भी घर पे आता बोलता है मुझे ये सर्टिफिकेट मिला, बड़ा लड़का भी आता है आई वॉन्ट द हैकेथॉन कॉम्पिटिशन, कोई बच्चा आके बोलता है हमें इंजीनियर बन गया, कोई बच्चा आके बोलता है मुझे नौकरी लग गई। इट इज अ स्मॉल स्मॉल सक्सेस, ये चाहता है हर व्यक्ति, चाहता है हर व्यक्ति की तमन्ना रहती है कि मुझे जो मैंने मेहनत डाली है उसका सक्सेस रिटर्न मुझे मिले। लेकिन ये सक्सेस रिटर्न कैसे मिलेगा तो हम देखेंगे आज एक नया प्लेटफॉर्म, एक अलग सा प्लेटफॉर्म। कितने लोग बहुत नए हैं जिनको डीएक्सएन कुछ नहीं पता नहीं है, आज पहले दिन आए, फर्स्ट अराइवल, न्यू अराइवल, क्या बात है, उनके लिए तालियां होनी चाहिए। ये हमारे परिवार में कैसे है, नए हैं, तो अभी नए हैं जो हमारे साथ जुड़ेंगे एक कंज्यूमर की तरह, एक डिस्ट्रीब्यूटर की तरह, लेकिन उसके बाद क्या? चने की दाल तो हाथ में मिल गई, लेकिन उसके बाद क्या? अगर उसका कुछ किया नहीं तो उसका आनंद हम नहीं ले पाएंगे। तो उसका आनंद कैसे लेना है आज हम वो देखेंगे कि एक प्लेटफॉर्म तो मिल गया है जो डीएक्सएन ने हमको दिया है, डॉक्टर लिन सियोजिन के लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। कंज्यूमर, एज अ लीडर, एज अ सक्सेसफुल पर्सन इन द मार्केट और एक जहान में हमको एक अच्छा आदमी बनना है, इसके लिए ये सक्सेस के कुछ नियम है। मुझे बोलिए अगर आपके जीवन से पर्पस निकल दिया जाए,
फोकस निकल दिया जाए और आपका कोई ड्रीम ही नहीं रहे तो जीवन रहेगा क्या? कुछ नहीं। तो कुछ डिसिप्लिन हम देखेंगे कि जब हम जुड़ जाते हैं तो उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि जुड़ तो जाते हैं एज ए कंज्यूमर हेल्थ के हिसाब से, वेल्थ के हिसाब से, लेकिन आगे क्या करना है वो देखना है। पूरनपोली बनानी है, जलेबी बनानी है, लड्डू के लिए वो बूंदी बनानी है। सो देयर आर 7 बेसिक्स ऑफ द सिस्टम विच विल सी, क्योंकि ये बेसिक्स बहुत जरूरी है। आज भी मैं कहती हूं सर्वसामान्य जनमानस की बेसिक नीड जो है ना वो अन्न वस्त्र निवारण ही है। वैसे ही कुछ सिस्टम की अपनी बेसिक नीड्स रहती है और उस हिसाब से आपको चलना है। आगे पीछे इधर उधर गए तो उस सिस्टम से आप बाहर निकल जाते। तो वो सिस्टम क्या है, वो एक बेसिक क्या है हम देखेंगे। लिस्ट, घर में कुछ ग्रोसरी लानी है, शादी क्या है, फिर भी हम क्या तैयार करते हैं, एक लिस्ट तैयार करते हैं। कितने लोगों को आपको न्योता देना है, कितने लोगों को बोलना है, किसी पंडित को बुलाना है, किसी को साड़ियों की पूरी लिस्ट करवानी है, जो दूल्हा है उसकी लिस्ट करवानी है, किसी को कुछ, पूरा लिस्टिंग हम करते हैं। तो वो लिस्ट बहुत जरूरी होती है आपके जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए। वैसी ही लिस्ट बिजनेस के लिए, सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है। और उस लिस्ट में क्या एक्सपेक्टेड है, तो पहले तो एक ड्रीम लिस्ट होनी जरूरी है। क्या होनी जरूरी है? ड्रीम लिस्ट, सपने। कुछ गलत तो मैं नहीं कर रही हूँ, सही कर रही हूँ ना? क्योंकि पहले तो हम काम करेंगे फिर लिस्ट बनाते हैं ना, लेकिन इधर अलग है। आपको पहले सपने समझने हैं कि ये मुझे चाहता हूं, मुझे ये पाना है, तो हमें पहली ड्रीम लिस्ट बनानी है और उसके बाद वो सपने पूरे करने के लिए जो एक मीडियम है, जो एक माध्यम है, उसकी भी लिस्ट बनानी है। ड्रीम लिस्ट में आपको अच्छे से लिखना है कि मुझे क्या चाहिए, बराबर है। और प्रोस्पेक्ट लिस्ट में भी लिखना है कि मेरे जैसे सपने देखने वाले कितने लोग हैं, क्योंकि जैसे आप सपने देखते हो वैसे ही लोग भी सपने देखते, वो भी सक्सेस होना चाहते हैं, तो ऐसे कितने लोग हैं हमें वो ढूंढना पड़ेगा। सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल लोग क्या करते हैं, तो पहले काम करते हैं। वो लिस्ट में पहले क्या करना होता है, उनका ड्रीम लिस्ट में उनका अलग विचार रहता है कि मैं काम करूंगा पहले, फिर कैसे काम करना है उसका एक रिसर्च करूंगा, मैं जॉब करूंगा, मैं कहां पे जाके काम करूंगा, तो वो एक अच्छा सा मीडियम ढूंढते हैं कि काम करने का, और फिर सोचते हैं इससे मेरे कितने सपने पूरे हो सकते हैं, मैं उतना कर दूंगा। हर घर पे यही चलता है, आज तक यही चलता आया कि दे वो एक मीडियम बनाते हैं, फिर सोचते हैं कि इतने में मेरा कितना सपना मैं पूरा कर सकता हूं। लेकिन जो सक्सेसफुल पीपल है वो कुछ अलग करते, वो पहले ड्रीम लिस्ट बनाते कि मुझे जेई एडवांस क्लियर करना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे एनईटी क्लियर करना है, मुझे डॉक्टर बनना है, या तो मुझे पायलट बनना है, तो मैं पायलट के लिए बनने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, बराबर है। तो पहले वो क्या सोचते, ड्रीम लिस्ट बनाते, मतलब मुझे क्या होना है वो पहले देखते हैं, फिर वो बनने के लिए क्या किया जा सकता है, कौन से पाथ से मैं जा सकता हूं। इंजीनियरिंग जाना है तो इंजीनियरिंग कॉलेज से जाऊंगा, मुझे डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर की के कॉलेज से जाऊंगा, मुझे पायलट बनना है तो एरोनॉटिकल इंस्टीट्यूट के हिसाब से चला जाऊंगा, अगर मुझे किराने की दुकान चलाती है तो भी मैं क्या करूंगा, थोड़े किरानादार से बैठूंगा, उसे समझूंगा कि होलसेल से कहां से लेते, रिटेल में कहां बेचते, कि होलसेलिंग कैसे करते, तो उनके बारे में मैं अभ्यास करके जो मीडियम है उसके बाद मैं क्या करूंगा, मेरा काम पूरा करूंगा। जो सक्सेसफुल लोग हैं वो पहले सपना देखते हैं और उस सपने के लिए अपना पूरा सिस्टम बिछा देते हैं। कौन सी सिस्टम अच्छी है, ए वाली की बी वाली,
बी वाली, क्योंकि आपका पूरा फोकस, आपका पूरा पर्पस, आपका पूरा गोल कॉन्सेंट्रेट है, आपको इधर इधर कोई हिलाने वाला नहीं होगा, आपको क्लियर पिक्चर है मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे बिजनेसमैन बनना है, ये मेरा फोकस पूरा क्लियर है, मेरा पर्पस, मेरा ड्रीम पूरा क्लियर है, उसके लिए मैं झोंक के काम करता हूं। काम करने के बाद ड्रीम नहीं देखते, ड्रीम के बाद उसके लिए काम करना शुरू कर देता हूं। ड्रीम कैसे होने चाहिए? डेयर टू ड्रीम, पहले की चीज तो हिम्मत होनी चाहिए सपना देखने की। मेरे पास एक ऐसी औरत है जो कपड़ा बर्तन करती थी, फिर आंगनवाड़ी सेविका हुई और आज उसका बच्चा फोर्थ ईयर में MBBS पढ़ रहा है। तालियां होनी चाहिए। सोचा तक नहीं होगा कि जब मुंबई में आई तो बर्तन बाजती थी, फिर आंगनवाड़ी सेविका हुई और आज उसकी बच्ची, सॉरी लड़की है, वो MBBS फोर्थ ग्रेड पे है, और जो दूसरी बच्ची है वो ग्राफिक्स पढ़ती है। बड़े बड़े इतने लिखे पढ़े लोग भी अपने बच्चों को ग्राफिक्स में डालने के लिए हिम्मत नहीं करते, लेकिन आज थर्ड ईयर ग्राफिक्स पढ़ रही है। इसको कहते हिम्मत, कहां से कहां चले गए। डेयर टू ड्रीम, हिम्मत होनी चाहिए। जो मुझे सपना मैंने देखा है, मुझे एरोनॉटिकल चाहिए तो मैं एरोनॉटिकल जाऊंगा, मुझे नैनो टेक्नोलॉजी करनी है तो मैं नैनो टेक्नोलॉजी करूंगा। ये फोकस ड्रीम होना चाहिए और हिम्मत होनी चाहिए। रिमेंबर योर ड्रीम, जो आपने सपना देखा है वो याद रखना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। नहीं तो आज मैंने सोचा हाँ चल डॉक्टर बनना है, कल नहीं बहुत डिफिकल्ट है, नीट की एग्जाम है, दो साल अगर घर पे बैठना पड़ेगा, कोटा में जाकर पढ़ाई करनी पड़ी, केरला में जाकर, बैंगलोर में जाकर, पूना जाना पड़ेगा, उठ के करने के लिए तैयार नहीं है, तो हम क्या कर जाते हैं कि अपना ड्रीम भूल जाते हैं, फोकस हट जाता है। वैसे मन कीजिए, ड्रीम में बहुत जरूरी है, आपका सपना आपको याद रहना बहुत जरूरी है। एम्ब्रेस योर ड्रीम, उसको गले लगाओ, पहचान करो, फील करो कि मेरा बच्चा डॉक्टर हो रहा है, मेरा बच्चा बिजनेसमैन हो रहा है, आप जो चाहते हैं वो बच्चा जो चाहता है वो जो सपना है वो पूरा कर रहा है, वो फीलिंग करो। ये भी आप फील कर सकते हो कि मैं हेल्दी हूं, ये भी आप फील कर सकते हो कि मैं खुशी से रह रहा हूं, ये भी आपका ड्रीम हो सकता है। मेरा परिवार खुशहाल है, ये भी आपका ड्रीम हो सकता है। स्विट्जरलैंड घूम के आना है, ये भी आपका एक ड्रीम हो सकता है। यूरोप ट्रिप करना है, कितने लोगों को बाहर घूमना अच्छा लगता है? सब लोगों को। तो इधर फ्लाइट लैंड कर ले तो पूरा फ्लाइट इधर ही बढ़ जाएगा, है ना। लेकिन ये ड्रीम पूरा करने के लिए वर्क करना बहुत जरूरी होता है, ड्रीम पूरा हो सकता है। सो एम्ब्रेस योर ड्रीम, यानी उसको अपने दिल से काळजाला लावून ठेवा कि वो सपना जिंदा रखो, जब भी चांस मिले उस सपने के लिए काम करते रहना। एक्शन फॉर ड्रीम, कितने लोग हैं यहाँ पे जो पढ़ाई के बाद आपके माँ बाप को पुश किए बिना कॉलेज स्कूल जाते थे, कितने लोग हैं? माँ बाप ने ढकला इसलिए स्कूल गए, ऐसा कुछ नहीं है ना, कैसे खींच खींच के लेके जाते थे स्कूल में, तगड़ा उठे, हाथ उठे, नमी उठे, नॉट दैट ना, खींच खींच के लेके जाते थे आपको, तो तालियां होनी चाहिए। ऐसे भी लोग हैं, शायद इन्होंने वो विजन नहीं था लेकिन उनके माँ बाप को विजन था कि मेरे बच्चे कहाँ बैठने चाहिए। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका एक्शन क्या है। आपके ड्रीम्स हो सकते, आपके बच्चों के ड्रीम्स हो सकते, आपके परिवार के ड्रीम्स हो सकते, उसके लिए काम करना बहुत जरूरी है। मास्टर योर ड्रीम, कितने लोग हैं जो पहले जाके ऑफिस में ऐसे साइन करके आलोग्रामी चेक इन, अभी क्या बायोमेट्रिक रेटिना होता है, थंब इम्प्रेशन होता है ना, आ गया मैं काम करने के लिए, मास्टर करते थे ना, तो हमारे ड्रीम को भी मास्टर करना उतना ही जरूरी है। कितने लोग हैं डायरी लिखते हैं, लिख के रखते हैं, लिखते हैं कि पढ़ाई छूट गई तो छूट गया, ऐसा नहीं है ना, बिकॉज लिखना बहुत जरूरी है, आपके माइंड को रजिस्टर करना जरूरी है, वो ऊपर वाले से आप
आपको एक नाड़ की तरह जोड़ के रखता है. दैट राइटिंग द मस्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो वो ड्रीम जो है ना वो मस्टर करो. मुझे जो करना है कल करना है, परसों चाहिए, एक साल के भी बात चाहिए ना, राइट इट डाउन. जस्ट राइट डाउन. वो आपके लिए काम करेगा अनोइंगली. तो ये हुआ पूरा ड्रीम का एब्रीवेशन. मतलब ड्रीम यानी क्या है? हिम्मत करो, उसको याद करो, उसको गले लगाओ, उसके लिए काम करो और उसको ऊपर वाले के साथ रजिस्टर करो, ताकि केवल आप नहीं ऊपर वाला भी आपके लिए ये ड्रीम पूरा करने के लिए काम करेगा. तालियां होनी चाहिए ऊपर वाले के लिए. आपका तो काम हिलाने का है, लेकिन गिराने का काम उसका है, वो छोड़ेगा नहीं. जो ड्रीम है उसके लिए भी आपको एक लिस्टिंग करनी पड़ेगी. एक शॉर्टलिस्ट टर्म पे आपको ड्रीम्स रखने होंगे. मुझे मोबाइल लेना है, थोड़ी 5,000 की पैठणी साड़ी लेनी है, अभी त्योहार आ रहे हैं. जो स्मॉल स्मॉल ड्रीम्स है, मेरे बच्चे के लिए मुझे व्हीकल लेना है, मेरे बच्चों की अभी पढ़ाई के लिए 8-10 हज़ार की किताबें लगती है, तो वो छोटे छोटे ड्रीम्स आपके लिस्ट करने शुरू कर दीजिए और लिखिए उसको, ताकि वो पूरे होना शुरू हो जाएगा. आएंगे जिस मिड टर्म लिस्ट में आपको साइकिल है, बाइक है, फोर व्हीलर है, जो भी छोटा चीज है, जो मीडियम साइज में है, उसको आप लिस्टिंग करना शुरू कर दीजिए कि ये मेरे छोटे ड्रीम लिस्ट में आ जाता है. लेकिन हाँ, एक बड़ा ड्रीम लिस्ट भी हो सकता है. आज अगर 1 BHK में रह रहे हो तो हर एक की इच्छा रहेगी मैं 3 BHK में जाऊं, या तो मैं कुछ क्या बोलते हैं बड़े बंगले में जाओ, या एक कोई पेंट हाउस है, जो भी आपका विजन है, जो आप इच्छा है, लाइक गैलरी वाला चाहिए, जो भी बड़ा टावर में चाहिए, 45 स्टोरी पे चाहिए, 60 माले पे चाहिए, जो भी आपका बिग ड्रीम है, उसको 5 साल में 10 साल में सेट करके रखिए. जितने भी सेलिब्रिटीज है ना आप देखोगे, इनके बंगले रहते हैं, बराबर है, लेकिन ये लोग बड़े टावर में 40 माला, 50 माला, 60 माले पे भी इनके घर रहते, कभी कभी उधर रहते हैं, कभी कभी इधर रहते हैं, बेच देते हैं. उनका माइंड भी वो चेंज करते रहते, उनके ड्रीम लिस्ट भी क्या करते रहते हैं, वो अपग्रेड करते रहते. बीच में ही एक बड़ा सेलिब्रिटी वर्ली में कुछ करोड़ के लिए वो फ्लैट बेच दिया, 56 फ्लोर पे था, और उसके बदले उसने एक बंगलो जुहू में ले लिया. उसका बड़ा ड्रीम लिस्ट था. आपका भी बड़ा ड्रीम लिस्ट हो सकता है, लेकिन उसके लिए काम करना जरूरी है, लेकिन वो लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है. अगर 1 BHK में 3 BHK आपको जो भी चाहिए, आपको जो बड़ा ड्रीम है वो 5 साल, 10 साल, 15 साल के लिए सेट करके अच्छे से रखो माइंड में और लिस्ट करके रखो, वो आपके लिए काम करेगा. अभी जो सेकेंड लिस्ट हमने बोली है, तो वो फ्रेंड्स, मतलब हम क्या करेंगे कि जो लिस्ट मेकिंग है, आपको ये जो काम करना है, ड्रीम तो हो गया आपका, बराबर है, लेकिन ये ड्रीम के लिए अपने जैसे ड्रीम देखने वाले, अपने जैसे विचार वाले, अपने जैसे फोकस पर्पस वाले लोग भी ढूंढना जरूरी है. अकेले का काम है क्या ये? अकेला काम कर सकता है? नहीं. आपके साथ और 24 घंटा और 24 घंटा और 2 हाथ और 2 हाथ जब जुड़ते जाएंगे ना, एक बड़ा कारवा होगा ना, तब बड़ा साम्राज्य बन सकता है. तो ये लोग हमारे साथ जुड़ने के लिए हमको यहाँ पे लिस्टिंग करना बहुत जरूरी है. तो कहां से मिलेंगे ये लोग? तो ये लोग मिलेंगे हमको पहले तो फ्रेंड्स से, जो हमारे नजदीकी है, बहुत क्लोज फ्रेंड्स है, जो हमारे दोस्त लोग है, वहां से हमको ये प्रोस्पेक्टिंग मिल सकती है. वहां से अपने विचार वाले, अपने सपनों वाले लोग हमारे साथ हमारे काम के लिए जुड़ते जाएंगे. रिलेटिव्स है, जो आपके रिश्तेदार है, उसमें से भी कितने लोग रहेंगे जो अपने विचार वाले रहेंगे, अपने काम में हाथ बटाने वाले रहेंगे, वो रिलेटिव्स आपके साथ जुड़ते जाएंगे. इंस्टीट्यूट में भी आपके विचारों वाले लोग मिलेंगे. इंस्टीट्यूट यानी जो आपकी पहले वाली स्कूल थी, आज का कॉलेज है, या तो कहां पे और कुछ करने जाओगे, तो वहां पे इंस्टीट्यूट में भी जो आपके साथ पढ़ने वाले लोग हैं, आपके प्रोफेसर्स हैं, वहां पे कोई स्टाफ रहेगा, तो वो इंस्टीट्यूट से भी आप लोगों को ले सकते हो. या योर एक्स प्रीवियस ऑफिस रहेगा, या तो
कोई और फ्रेंड रहेगा तो एक से एक जो जुड़ता जाएगा वो इंस्टीट्यूट से आप ले सकते हो। एम्प्लॉयज में से आप ले सकते हो, आपके आजू बाजू में जो आपके साथ काम करने वाले लोग हैं उसमें से भी लोग आप ले सकते हो। नेबर है, आजू बाजू का जो पड़ोसी है, आपके विचार वाला, आपके जैसा कुछ बनने की इच्छा रखने वाला, वो पड़ोसी भी आपके साथ जुड़ सकेगा। डीलर है, मतलब कौन है, जो चाय वाला है या तो किराना वाला है, कोई डॉक्टर्स रहेंगे या तो कोई मेडिकल शॉप वाला रहेगा, जिससे आप हमेशा डील करते रहते हो, जिसके साथ आप क्या करते हो, कुछ व्यवहार करते हो, वो डीलर भी जो अपने सपने वाला रहेगा उसके उसको भी आपके साथ जुड़ सकते हो। एंड यस स्ट्रेंजर्स, वेरी इंपॉर्टेंट इज स्ट्रेंजर्स। हाँ बैठ जाइए। स्ट्रेंजर्स बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। हम जानते नहीं है एक दूसरे को। मैं पूछना चाहती हूँ, यहाँ पे जितने बैठे हैं, आपको मालूम है 6 जिले हैं मुंबई में, ओके। दक्षिण मुंबई से कितने लोग आए? दक्षिण मुंबई मतलब कोलाबा से दादर तक कितने लोग आए? ओके। दादर से आगे बांद्रा तक कितने लोग आए? बांद्रा के बाद के कितने लोग? इसका मतलब हम दादर में बैठे हैं लेकिन 6 जिलों में से लोग हैं। मैं इनको पहले पहचानती थी? नहीं। दीज ऑल आर स्ट्रेंजर्स, लेकिन हमारी विचारधारा एक साथ जुड़ रही है। तो स्ट्रेंजर्स जो अननोन पर्सन है, जिसको हम नहीं जानते, पहले बार मिले हैं, वो शायद उनके साथ हम अपने विचार जोड़ सकते, उनको हमारे कारवा में ले सकते, हमारे साथ वो काम करने के लिए शायद उत्साहित रहेंगे, क्योंकि उनका विजन उतना सपना भी हमारे जैसा रहेगा। तो स्ट्रेंजर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, इनको निगलेक्ट मत कीजिए। ये आपको बस में मिलेंगे, ट्रेन में मिलेंगे, कहीं भी चलते बोलते कहीं भी मिल सकते हैं, जो अपने विचारधारा वाले हैं। अभी क्या करना है, जो भी हमने देखा है कि हमारे रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है, जो भी है, तो हमको उनके एक लिस्ट बनानी है जिसमें सीरियल नंबर, नाम, फोन नंबर, लोकेशन, एज, मैरिटल स्टेटस है, उनका प्रोफेशन, क्या जॉब करते हैं, छोटा बिजनेस है, बड़ा बिजनेस है, कॉन्टेक्ट प्रेफरेंस लिखना है, प्रोफाइल लिखनी है, फिर रिमार्क लिखना है। नाउ कॉन्टेक्ट प्रेफरेंस में क्या होता है, हॉट, यानी जिसको हम बहुत अच्छे से जानते हैं और जो हम क्या बोलते हैं, छोटेपन से फ्रेंड्स रहते हैं या तो अच्छे से एक दूसरे से रिलेशंस में रहते हैं, उसको हॉट प्रेफरेंस कहते हैं। उनको पहले आपको उनसे बात करनी है, लेकिन यहाँ पे चांसेस 100% आप एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, डोंट अज्यूम कि ये 100%